नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सोमवार 31 जनवरी 2022 को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी ओर से पत्नी डिंपल यादव की संपत्ति, आय और आपराधिक मामलों का ब्यौरा दिया। अखिलेश यादव ने जो जानकारी दी उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी कमाई में मामूली वृद्धि हुई है। अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम थे तब उनकी संपत्ति करीब 4 गुना रफ्तार से बढ़ी थी, लेकिन ये रफ्तार योगी सरकार के सत्ता में आने के साथ तेजी से कम हुई है। इन 5 सालों में अखिलेश यादव के धन अर्जन की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। योगी सरकार के 3 साल में उनकी संपत्ति सबसे कम बढ़ी, केवल 10% संपत्ति बढ़ने का औसत सामने आया है। अखिलेश साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़कर जीते थे। उस समय दाखिल हलफनामे के अनुसार उनके पास 2,31,00,000 की संपत्ति थी। साल 2022 में करहल नामांकन के दौरान हलफनामे में अखिलेश ने अपनी संपत्ति करीब 40.4 करोड़ बताई है। चल संपत्ति 2022 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में बताई गई संपत्ति के मुकाबले अखिलेश यादव की संपत्ति में 3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं डिंपल यादव की भी चल संपत्ति में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। 3 साल के दौरान डिंपल यादव ने ना कोई ज्वेलरी खरीदी है, उसकी वैल्यू अभी भी 59 लाख ही बनी हुई है। बता दें कि 2019 में डिंपल के पास 59 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में दर्शाया है कि उन्होंने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को 2.13 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। ये कर्ज 2019 लोकसभा सीट के पहले दिया गया था, जिसे आज तक मुलायम सिंह यादव ने नहीं चुकाया। वहीं अखिलेश यादव ने खुद पत्नी डिंपल यादव से 8.15 लाख का कर्ज लिया। अखिलेश यादव ने मुलायम के अलावा 6 अन्य लोगों और संस्थानों को तकरीबन 28 लाख रुपए का कर्ज दिया है। तो दोस्तों क्या कहें कि आदमी सत्ता में रहता है तभी उसकी संपत्ति में वृद्धि होती है, और सत्ता में नहीं रहता तो वृद्धि नहीं होती। इस वीडियो को और अखिलेश यादव के हलफनामे को दर्शाए गए चुनाव आयोग के सामने देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।